ये नहीं देते, क्योंकि निराश हो गए, मायूस हो गए वो कि इस दौड़ और रियाज का कोई मतलब नहीं है, यह सरकार कोई सर्विस देने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव खुद राय मुख्तार अंसारी जी के साथ कोई घटना है, इसको लेकर भी लोकसभा चुनाव में भी क्या समाजवादी पार्टी भी इस पर मुखर है और चुनाव में? देखिए, अभी हम लोग उस तरफ नहीं के जा सके, नहीं जा सके, हम सब मरमाहत हैं। हमारे परिवार का एक हीरा निकल गया है और मीडिया के भाई सरकार की मंशा के अनुसार जितनी गंदी संज्ञा दे के मुख्तार अंसारी को पुकार ले, जितनी बुराइयां उसके नाम से लिख दें, लेकिन गरीबों के दिलों पे उसका राज था। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चोटी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, और बनारस की धरती पर मुख्तार अंसारी और मुरली मनोहर जोशी का लड़ाई हुई थी, बहुत मामूली से वोटों से। दो विधानसभा में, रोहनिया विधानसभा और सेवापुरी विधानसभा, दोनों जगह मुख्तार जीते थे और मुरली मनोहर हारे थे। शहर जब आया तो शहर में कैंट मुरली मनोहर जोशी को जीतना था, जीते, लेकिन उत्तरी दक्षिणी, उस समय एक समद साहब एमएलए होते थे सपा के, और वो सारी ताकत लगा दिए लोग, नहीं तो एक सीट उत्तरी हम लोगों को और लीड होनी थी, वो हमारी लीड नहीं हो सकी। और एक बजे के बाद जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे राजेश मिश्रा या और भी जो कोई उम्मीदवार थे, ये लोग खुद ही कहने लगे फूल कोट दे दो, फूल कोट दे दो, नहीं जीत जाएगा मुख्तार। अब अगर लोकप्रिय नहीं था तो क्या उसका दबदबा था? जब वो जेल में है, वो जेल में लड़के लड़ा था, कोर्ट ने, हम लोगों के वकील ने दरखास्त दी तो कोर्ट ने कहा था कि आपने 10 दिन का पेरोल मांगा है, हम इसको 3 दिन के पेरोल देने पर विचार करेंगे, आप अप्लीकेशन दुरुस्त करिए। 3 दिन के पेरोल की अप्लीकेशन दी गई, तब उन्होंने कहा 2 दिन का, बहस सुन के जजमेंट रिजर्व किया। 2 दिन का पेरोल मिल गया होता तो मुरली मनोहर जोशी सब होने के बाद भी हार जाते। हम लोगों ने रोड शो का मैप तैयार कर लिया था किस तरह से उसको सिर्फ एक रोड शो करा देंगे 2 दिन में, 5ों विधानसभा में। घोसी लोकसभा क्षेत्र अपने जमाने के कद्दावर नेता रहे हैं कल्पनाथ राय, काबीना मंत्री रहा करते थे, श्रीमती इंदिरा जी के बहुत खासुल खास मंत्रियों में से थे, और काबीना मंत्री कल्पनाथ राय के खिलाफ 1995 में मुख्तार इसी घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ गया और 3 विधानसभा में उनको हरा दिया। उस समय सगड़ी भी इसी में था और हारे कहाँ, मऊ सदर से हार गए, मऊ सदर विधानसभा में और गोहना मोहम्मदाबाद में वो हार गए, और 3 जगह जीत करके भी उनके मुकाबले 12,000 वोट से हार गए, जेल में थे। और कल्पनाथ राय बहुत बड़ी हस्ती थी उस धरती के लिए, तो इस तरह की स्थिति है। अब हम उसको कितना भी कीचड़ फेंकें, अगर हमारे कीचड़ फेंकने का उन मत देने वालों पे असर होता तो एक आदमी जेल में है और 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत रहा है, पर्चा भरने भी नहीं आता, उसका एजेंट जाके जेलर से दस्तखत करा के पर्चा भरता है और जनता उसको वोट दे के जिताती है। मत स्वीकार करे कोई संज्ञा आप दे सकते हो, हम मानते हैं कि मुख्तार अंसारी को कोई शंकराचार्य नहीं मानेगा, लेकिन जितनी बदनामियां हैं उसकी कभी समीक्षा आपने नहीं की, अब तो वो दुनिया में नहीं है। हम आपको कहते हैं और साधारण ढंग से कहेंगे तो आप उसे गंभीरता नहीं लेंगे, में नहीं लेंगे, इसलिए चुनौती दे के कहते हैं मीडिया को कि अब तो मुख्तार मर गए, कहानी बंद। लेकिन आज की डेट में जो आप रोज लिखते थे कि 60-65 मुकदमे उसके खिलाफ हैं, आप सिर्फ इतना मांग लो कि जो जितना भी 60-65-70 जितना मुकदमा बता रहे हो, इनमें कई मुकदमा ऐसा है जो मुख्तार के जेल में जाने से पहले का उसके ऊपर है, मांग लीजिए। आज की डेट में 99% वही मुकदमे हैं जो मुख्तार जेल में है
और जेल में रहने के दौरान उसके ऊपर बाहर से लिखे गए हैं कि मुख्तार ने साजिश करके ये कर दिया, ये करा दिया, ये कर दिया, ये करा दिया, ये। तो भाई आपकी कागज़ है, आपकी सरकार है, आपकी कलम है, जो चाहे लिखवा दो। जेल में एक आदमी है 18.5 साल हो गया लगातार, 25 अक्टूबर सन 2005 को जेल में गए, अब 6 महीना बाकी है 25 अक्टूबर को, 18.5 साल, और इसके पहले 2 बार में और मिला के वो 3.5 साल और जेल में रहे। एक बार दिल्ली में टांडा का मुकदमा उनके ऊपर कायम हुआ, पंचकुला से उन्हें पकड़ा गया था और दिल्ली में टांडा में लाके बंद कर दिया गया था, 2.5 साल बंद रहे। जब टांडा ख़त्म हुआ तब भी निकल पाए एक बार, और तो वो कुल मिला के अपने जीवन का 24 साल तो जेल में ही बिता दिए। 24 साल जेल में बिता दिए, अगर आप लोग सुबह से आए रहे होंगे तो आपको आभास हुआ होगा कि ये किसी रैली के लिए जुटाई गई भीड़ नहीं थी कि गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर और बस और खाने का पैकेट और किसी को सुविधा और किसी के ठेकेदार के माध्यम से बुलाया गया। सब अपने भागे चले आए हैं, धक्का खाए हैं, कल से ही देख रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, लाठियाँ दिल्ली से आए हैं, हैं बात के तो दिल्ली से आए हैं।